ये इस पहाड़ का व्यू चेक करें, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी कटिंग करी है। हाँ, मशीनों से कटिंग हुई हो। ये कुदरती है, नेचुरल। ये इस तरह का इसका ये कटिंग वाला ये हार्ड सॉलिड रॉक्स हैं, तो ये फुल पक्के हैं, चट्टानें हैं बड़ी बड़ी। ये जगलोट स्कर्दू रोड, रोड तो बहुत अच्छी हो गई है। पहले 30-40 से ऊपर गाड़ी नहीं जाया करती थी इस रोड पे, ऐसा होता था ये सिंगल, यानी इसका आधा समझ ले। अब फिर चौड़ा हो गया है, लेकिन वही है कि जो स्लाइड्स वाली जगह है वो बहुत तंग करती है, बहुत फ्रीक्वेंट इस पे स्लाइड्स हैं। शिंगुस आया है। हाँ, शिंगुस, फिर बागे, फिर वो आएगा अस्तक, जहाँ वो पीटीडीसी वगैरह का बना हुआ है। रेवो में तो हम और आगे से रन करा था हमने, कितना 67-64 ये ऐसे था। बिल्कुल, ये छोटी छोटी आबादियाँ हैं, गांव बने हुए हैं छोटे छोटे, इक्का दुक्का होटल वगैरह बने हुए हैं। प्रधान होटल लिखा है ना, क्योंकि रोंदू स्कर्दू, रोंदू का एरिया है ये। और सामने पहाड़ पर देखो कैसे बर्फ और वो बिल्कुल क्लाउड्स, आईबैक्स से स्टोन्स वगैरह, ये वाइट वाइट है ना, कुछ निकाला हुआ है इन्होंने यहाँ से। ये मैंने देखा है इधर काफी सारे छोटे छोटे होल्स बने हुए पहाड़ पे। सेवंथ इंजीनियर बटालियन। ये आप देखें सामने जो है ना पहाड़ पे मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे से वो ऐसे चूजे नुमा इन्होंने वो जो है ना वो होल्स बनाए हुए, जैसे वो वाइट वाइट जगह है उधर उस तरह के होल्स। अब वो हमें चूजे नुमा दिख रहा है, पूरा आदमी उसके अंदर आदमी जाता है, ऊपर से पानी आ रहा है। ये पहाड़ के अंदर घुस के पहाड़ों के अंदर से जो है ये मुख्तलिफ जो है वो प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं वो निकालते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। रास्ते में आप ये देखें लेफ्ट साइड पे एक आबशार स्पॉट करी है हमने, क्या खूबसूरत यहाँ पानी आ रहा है ऊपर से, ठंडा ठंडा यहाँ पे ये पानी आ रहा है। ये आप देखें, ये वो रोंदू वाली स्लाइड वाली जगह है जहाँ आप देखें स्लाइड आई हुई है, यहाँ पत्थर भी आते रहते हैं, कच्ची जगह है ये। जगह है यहाँ सारी, ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, हाईएस्ट कोस्टर्स वगैरह यहाँ रुकती हैं, ब्रेक करते हैं खाने वगैरह के लिए। अस्तक है ये, सतक कह लो, अस्तक कह लो, वो नीचे राइट पर पीटीडीसी होटल है, वो बंद पड़ा है। अस्तक रोंदू जी। गाय कितनी छोटी है। हाँ, रेवो वाले में हम इधर आए थे, याद है, इधर रुके हुए थे, मुड़ के आगे स्लाइड थी ना, इंतजार उन्होंने कहा जी कर ले, खुल जाएगी एक डेढ़ घंटे में। इधर ही का इंतजार किया था ना हमने, इधर रुकी हुई थी ये, इधर। हाँ जी, हाँ जी, इधर रुकी हुई। ये अभी लास्ट ट्रिप की बात है ना, जनवरी वाले में इधर रुकी थी ऐसे ना, याद पड़ता है। ये पत्थर पत्थर थे। हाँ, इधर हम फोटो, ये काले पत्थर ही है, ये हम ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये यहाँ इंतजार कर रहे थे और वो खुली नहीं थी। ऊपर आप देखें कैसे बादल आ रहे हैं और फ्रेश स्नो है वो, रात को ही पड़ी होगी। ये बीच में एक ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है वुडन, और
ये इस पार से उस पार पे लेके जा रहा है, कोई राइट साइड पे गांव वगैरह हो गए होंगे, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, वो उधर ऊपर ना लेकर जा रहा हो। किधर? वो यार वो जो वीडियो नहीं देखी थी, ये आप देखे ना जीपे, वो देखे जीपे और वो जा रही है यार। वो कौन सा था क्या, उसकी बाइक भी गिरी थी, बाशो। हाँ बाशो, बाशो ये ना बाशो को ना जा रहा हो, ऐसा ही है ये जो वो कह रहे थे ट्रैक वगैरह काफी खराब है, ऊपर वो फिर प्लेन्स वगैरह आए थे। हो सकता है ये बाशो ऊपर हो है ना, ये बाशो कोई जा रहा होगा। ये है सीन पार्ट इसका, वो इस कर दू के ही समझे, वो कर दू के वैलीज है ये उसकी। हां वैलीज है उसको, वैलीज पीछे वो पहाड़ है, पहाड़ बड़ा जबरदस्त लग रहा है। हम लोग इस कर्दू की तरफ जा रहे हैं, धूप बहुत तेज है, धूप बहुत तेज, यहाँ पे ऐसी धूप चुभ रही है कि लग रहा है कि हम इस वक्त ना जून के महीने में आप सखर शिकारपुर जैकबाबाद उधर फिर रहे हो जिस तरह, वहाँ भी धूप इस तरह नहीं चुभती है, यहाँ धूप इस कर्दू के इधर इतनी जालिम धूप है। सही बात है, ये हाथ बिल्कुल अफ्रीकी हो जाएगा मैं इधर करके इस हाथ को छुपा रहा हूँ धूप से। वो हो रही है पक्का बर्फबारी हो रही है पक्का, ये जो राजन है मुझे तो दिख रही है बर्फ नीचे आते हुए बादलों से, ऊपर स्नोफॉल है, स्नोफॉल हो रही है। देखो ना बादल, वो जिस तरह के बादल है ना ये जी, ये सारे ये बर्फ ही पड़ते हैं दोनों दोनों तरफ। हाँ लेफ्ट पे तो और ज्यादा पड़ती है बर्फ है। ज़ूम करो देखो बिल्कुल फ्रेश आ रही है बारीक 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 दिख रही है, यही दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ बर्फ पड़ रही है। आप रोड देखें कैसा है, ये ऐसे ऊपर होता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा जाएगा फिर ऐसे, हमने ऐसे से जाना है। वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे जा रही है, धूप इतनी तेज है कि इस वक्त एसी चलाया है मैंने और फुल पे चलाया है एसी। तो बाहर टेम्परेचर 19 डिग्री बता रहा है, 19 है, अंदर चलाना पड़ रहा है एसी लेफ्ट विंड। यहाँ थोड़ा चौड़ा हो गया रोड, यहाँ लेफ्ट वाला शोल्डर बहुत बड़ा, इस रोड जितनी लेन जितना शोल्डर कर दिया जी, यहाँ पे चौड़ा कर दिया, बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा गर्मी में तो हालत टाइट हो जाती है, आप जो लोग कहते हैं ना कि जी आप आए कर्दू में तो फिर थोड़ी ठंड होती होगी गर्मियों में भी, तो होती है यार। ये मेरी केबल फ्री कर दो, ये ऑटम के आप कलर्स देखें, ये रोंदू बाजार से हम क्रॉस कर रहे हैं, मेन रोंदू बाजार है, इधर रोंदू में जलजले और वो स्लाइड्स बहुत आ रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं सॉरी रोंदू नहीं, ये दम्बूदास, दम्बूदास रोंदू तो गुजर गया यार आप भी रोंदू रोंदू कर रहे हैं, मैं भी इधर से रोंदू शुरू। अरे मुझे धूप ऐसी लग रही है, देखो हाथ मेरा ऐसा गर्म हो रहा है बिल्कुल, और इस साइड से आधा मगज मेरा गर्म हुआ हुआ है, इस साइड से ठंडा हुआ हुआ है एसी की हवा से, अजीब और गरीब सिचुएशन में हूँ मैं इस वक्त। हाँ गर्मी भी लग रही है, इमरान खान भी नहीं बता रहे हैं, आधी साइड जो है ना इधर ठंड लग रही है, इस साइड गर्मी लग रही है, इधर गर्मी लग रही है। साइड से लगाओ, हाय हाय हाय।